आज जिला बलरामपुर अतरौला में पीड़ित महिला संध्या सिंह ने न्याय के लिए लगाई गुहार। दरअसल पीड़ित विधवा संध्या सिंह पत्नी स्वर्गीय सोनू सिंह उर्फ सुरेश सिंह ग्राम बड़ाया फरीद थाना रहरा बाजार जिला बलरामपुर की निवासिनी है। इनकी जमीन पर विपक्षी गढ़ अतुल त्रिपाठी पुत्र माता दीन व अभिषेक त्रिपाठी पुत्र गढ़ माता दीन त्रिपाठी थाना रहरा बाजार जिला बलरामपुर ने प्रार्थनी की जमीन पर जबरियन कब्जा व निर्माण कराना चाहते हैं। जिस जमीन पर न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन महोदय अतरौला संख्या 448/18 संध्या सिंह बनाम दिलीप सिंह आदि के मुकदमे में यथायथित का आदेश प्रभावित है। इसके बावजूद अतुल त्रिपाठी व उनके परिवार वाले पुलिस के मदद से उनके परिवार के लोग पीड़ित विधवा महिला संध्या सिंह के जमीन में बेखौफ कब्जा कर निर्माण कर रहे हैं। पीड़ित महिला द्वारा थाना पर शिकायती प्रार्थना पत्र देने पर वो न्याय की गुहार लगाने व स्थगित आदेश का अनुपालन कराने का फरियाद करने पर पुलिस पर पीड़ित महिला द्वारा उसकी बात न सुनकर ही निर्माण रुकवाने की बात कही गई, डांट पटक कर भगा दिया गया व न्याय के स्थगित आदेश का अनुपालन न करने व बजरिया कब्जा का निर्माण करने पर लगाया पुलिस पर आरोप। शासन प्रशासन के आला अधिकारी उप जिला अधिकारियों जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक पुलिस उप अधीक्षक माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को शिकायती पत्र पीड़ित महिला द्वारा देकर लगाई गई न्याय की गुहार। सुनना क्या होगा? हमारा जमीन और कब्जा कर रहे हैं। नाम क्या आपका? संध्या सिंह। संध्या सिंह, क्या समस्या आपका? समस्या यही है कि हमारे ससुर जी सास के नाम बैनामा किए थे, शकुंतला सिंह के नाम पर। वो बैनामा ये माता दीन त्रिपाठी और अभिषेक त्रिपाठी अतुल त्रिपाठी ये तीनों मिलकर जबरदस्ती कब्जा कर रखे हैं हमारे जमीन। कौन सा गाँव है आपका? हमारा गाँव है नवासी लखापुरवा है और ग्राम पंचायत है और यहाँ महकिनिया में जमीन लिखवाए थे पहला बैनामा हमारा और वहाँ रहना खाना है वो खाना कोई सुनवाई नहीं थी। तो कहाँ एप्लीकेशन दरखास्त दिया है? वहाँ कचहरी में दिए थे, कोर्ट भी स्टे भी लगा है, दीवानी भी दायर है, पुलिस कप्तान के लेके गए थे वो भी नहीं कुछ सुनवाई किए, डेम साहब यहाँ गए वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं है तो बताओ जब क्या करें। माँ जमीन हमें चाहिए तो आपके चाहती आप ये चाहती कि हमारा जमीन हमें मिले, हमारे साथ न्याय हो? हाँ न्याय हो, हमारा जमीन हमें न्याय। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।